हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, यही देखेंगे। ओके व्यूअर्स, सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं या फिर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। बस आपको करना ये है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसे अपने माइंड में सोचते हुए देखें। ओके व्यूअर्स, सो हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। आज यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो बहुत ही ना उतावला है एक्शन लेने के लिए, यानी कि वो आपके लिए ना कुछ करना चाहता है। भले ही वो आपके जीवन में हो या ना हो, बट वो आप ही के बारे में सोच रहा है। खुद तो वो मजबूर है अपनी फैमिली की वजह से, या फिर ये इंसान मैरिड हो सकता है, या फिर इसकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ आ तो नहीं पा रहा है। बट ये पर्सन चाहता है कि आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें, और ये पर्सन उसमें आपकी हेल्प करना चाहता है। और ये पर्सन ये हेल्प आपको बताकर नहीं करना चाहता है, पीछे से ही करना चाहता है। इस पर्सन के जो जीवन में प्रॉब्लम्स इन दिनों चल रही हैं ना, ये चाहता नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स के भागीदार आप भी बने। तो ये पर्सन चाहता है कि आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें किसी न्यू पार्टनर के साथ। तो ऐसा लगता है इस पार्टनर को ना, ऐसा लग रहा है कि आप इनके किसी फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हैं किसी रिलेशनशिप में। तो आज शाम ये अपने उस फ्रेंड से बातें कर रहे हैं और उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि आपका और आपके पर्सन के जो फ्रेंड हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। ओके व्यूअर्स, सो ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, मुझे पता है, बट जो एनर्जी मुझे यह नज़र आ रही है वो यही है। आज शाम आपके पर्सन अपने उस फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस हद तक आगे बढ़ चुका है, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, आप उस पर्सन से कितना प्यार करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर आपके पर्सन उस पर्सन से बोल भी रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह हैं। आपको सही डायरेक्शन अगर मिल जाए तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो लेजी स्वभाव के हैं, उनको पता है ये चीज़, वो किसी भी कमिटमेंट में बनना नहीं चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में बंद कर रहना नहीं चाहते हैं। बट ये पर्सन जिससे बातें हो रही हैं, उसका जो नज़रिया है आपको लेकर, या फिर उस पर्सन के दिल में कितनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, तो ये जो आपके पर्सन है उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपकी हेल्प कर सकें आप दोनों को मिलाने के लिए। तो ये पर्सन चाहता है आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और हैप्पी रहें। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं ना, वो अट्रैक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। इस वजह से भी ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें जिसे आप पसंद करते हैं, या फिर अगर आप पसंद नहीं भी करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएं। तो ये पर्सन हेल्प कर रहा है अपने उस फ्रेंड से आपको मिलवाने के लिए और आप दोनों को एक करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपके पर्सन उस फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। अगर नहीं भी है, आप अपने पार्टनर को भूलने में कामयाब रहेंगी अगर आप उस पर्सन का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगी। अगर आप दोनों एक होते हैं तो इस पर्सन को खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, ये सोच कर कि इस पर्सन ने तो आपके साथ जस्टिस नहीं किया। बट हाँ, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं तो ये पर्सन आपको हैप्पी देखना चाहता है, ये आता है आपकी खुशी। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो एक फ्रेंडशिप वाली हैं, यानी कि ये पर्सन आपको मानता है एक ऐसा इंसान जिसके साथ जो कोई भी रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। और इस पर्सन को आपका जो स्वभाव है कुछ इसी तरह का लगता है कि आप किसी के साथ भी हैप्पी रह सकते हैं, भले ही आप अपने पर्सन के साथ हों या फिर किसी और के साथ में। अगर आपको सही इंसान मिलता है अपने जीवन में तो आप उसका हाथ थाम कर भी आगे बढ़ सकते हैं। ये पर्सन आज शाम अपने फ्रेंड से यही बातें कर रही हैं। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।